हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का आर्ट गैलरी में स्वागत है। इसके साथ हम बनाने जा रहे हैं पूजा के लिए लोटा, जो हम डेकोरेटिव बनाएंगे। इसके लिए हमें चाहिए कुछ टाइप के कुंदन। हमने यहाँ पे अलग अलग कलर के कुंदन लिए, रेड कलर, ग्रीन कलर, ये हमने गोल्डन कलर के फ्लावर्स कुंदन लिए हैं। ये हमने सिंपल ओनली राउंड शेप में कुंदन लिए हैं। ये हमने बड़े साइज के रेड कलर के कुंदन, आप इसकी जगह ग्रीन या और कोई कलर भी चूज कर सकते हो। बॉल चेन रेड कलर, ग्रीन बॉल चेन, सिल्वर बॉल चेन, गोल्डन बॉल चेन, ये ड्रॉप शेप के कुंदन है और ये गोल साइज के कुंदन है। इसके साथ हमें चाहिए मिरर कटिंग या फिर और कोई डिजाइन के आप मिरर कटिंग भी ले सकते हो। ये हमने कुछ मोती लिए हैं। इसके साथ हमें चाहिए फैब्रिक ग्लू, सीचर। यहाँ हमने एक लोटा लिया है, ये हमने पेंट पहले से पेंट किया हुआ है। इसके ऊपर हम डेकोरेटिव कुंदन से लगाएंगे। लेट्स स्टार्ट। हम सबसे पहले सिल्वर कलर की बॉल चेन लगाएंगे। अब हम रेड कुंदन लगाएंगे। हमें कंटिन्यूसली बिना गैप देते हुए लगाते हुए जाना है। इस तरह हमने रेड कुंदन लगा लिए। इसके बाद हम गोल्डन चेन लगाएंगे। हमें ग्लू को थोड़ा सही से लगाना है, क्योंकि अगर बाद में पानी भी इस पर लग जाएगा तो ग्लू हटेंगे, ये कुंदन हटेंगे नहीं। अब हम ग्रीन चेन लगाएंगे। पहले हमने गोल्डन लगाई थी। दोनों चने को बीच में हमें बिल्कुल भी स्पेस नहीं देना है। ग्रीन के बाद हम वापस गोल्डन चेन लगाएंगे। अब हम रेड बॉल चेन लगाएंगे। इस तरह हमने एक गोल्डन चेन, एक ग्रीन चेन और फिर गोल्डन, फिर रेड चेन और फिर गोल्डन चेन लगाई है। अब हम ड्रॉप शेप के कुंदन लगाएंगे। ये देखो, अब हम ड्रॉप शेप के कुंदन लगाएंगे।
इस तरह हमने ड्रॉप शेप के बीड्स लगा दिए, अब हम गोल्डन चेन लगाएंगे। हमें लगाते टाइम ध्यान रखना है कि इनके बीच बिल्कुल भी स्पेस नहीं होना चाहिए। अब हम ग्रीन कलर के कुंदन लगाएंगे। हमने देखो ये कंटिन्यूसली लगाया है, बिल्कुल भी इसमें इनमें स्पेस नहीं है। इस तरह हमने ये पूरी लाइन कवर करनी है और हमें इनको बिल्कुल स्ट्रेट लेना है, ये नहीं ऊपर नीचे हो जाए। इस तरह हमने ग्रीन कलर के कुंदन लगा लिए हैं, अब हम गोल्डन चेन लगाएंगे। इस तरह हम गोल्डन चेन लगाएंगे। हमें ऊपर के साइड भी देखना है कि बिल्कुल ग्रीन कुंदन और गोल्डन चेन के बीच में बिल्कुल भी स्पेस नहीं रहना चाहिए। इस तरह हमें हाथ से लगाते हुए इसको सेट करना है। ये देखो हमने बिल्कुल भी स्पेस नहीं छोड़ा है। इसके बाद हमें ये बड़े साइज के कुंदन लगाने हैं। हमें इसकी स्ट्रेंथ 4 रखनी है क्योंकि हम यहाँ पे फ्लावर्स बनाएंगे 4 साइड। जैसे एक साइड हमने यहाँ लगाया, लेकिन हमें पहले देखना है कि हमें ऊपर भी स्पेस इतना छोड़ना है ताकि ये फ्लावर्स कुंदन आ जाए। ये देखो, क्योंकि हमें इसको इस तरह से सेट करना है ताकि फ्लावर्स की ऑल अराउंड एक लाइन आ जाए। इस तरह हमने 4 बनाने हैं। अब हम इधर लगाएंगे। इस तरह हमने चारों साइड लगा लिए, देख सकते हैं आप। हमने इन दोनों के बीच में थोड़ा स्पेस दिया है ताकि हम इसमें बॉल चेन लगा सकें, इससे और भी अट्रैक्टिव लगेगा। हम लगाएंगे पहले ग्रीन, इस तरह हम पहले ग्रीन चेन, इसके बाद गोल्डन चेन लगाएंगे। हमने पहले कुंदन्स के बाद ग्रीन चेन और गोल्डन चेन लगाई है, अब हम इसके बाद फ्लावर्स कुंदन लगाएंगे। ये हमें इसके ऑल अराउंड लगाने हैं। हमें बिल्कुल गोल शेप में लगाते हुए चलना है, स्पेस नहीं देना है। अब हमने ये फ्लावर कंप्लीट कर लिए। इसके बाद हम वाइट बीड्स लगाएंगे, वाइट राउंड शेप के बीड्स लगाएंगे। इनके बीच में जो स्पेस है उसमें हम कंटिन्यू लगाते जाएंगे। इसके बाद हमने गोल्डन चेन लगाई है चारों तरफ, अब हम रेड कुंदन लगाएंगे।
अब हम गोल्डन राउंड से कुंदन लगाएंगे। इस तरह हमने गोल्डन चेन लगा ली है। अब हम व्हाइट कलर के राउंड बीड्स लगाएंगे। कुंदन के बाद हम गोल्डन चेन लगाएंगे। कंटिन्यूसली हमने जैसे ग्रीन कुंदन फिर गोल्डन चेन, इस सबके बाद में हमने गोल्डन चेन तो कंपलसरी लगानी है। गोल्डन चेन के बाद हम रेड कुंदन लगाएंगे। हमने रेड कुंदन के बाद गोल्डन चेन लगाई। अब हम ड्रॉप शेप के कुंदन लगाएंगे। इस तरह पूरी तरीके से तैयार हो गया है। आप देख सकते हो हमने हर कुंदन के बाद में गोल्डन चेन कंपलसरी लगाई है। ये हमने इसलिए लगाई है ताकि ये डेकोरेटिव लगे। अब हम यहाँ पे बीड्स लगाएंगे। हमें इसके लिए ध्यान रखना है कि ग्लू को थोड़ी ज़्यादा मात्रा में लगाना है, क्योंकि बीड्स काफ़ी मोटे हैं तो उनको सेट करने के लिए हमें ज़्यादा मात्रा में फेविकोल लगाना है। हमें लोटे को इस शेप में उल्टा रख के लगाना है। अगर हमने इसको सीधा रख के लगाया तो ये साथ के साथ गिर जाएंगे, इसलिए हमें इसको उल्टा करके लगाना पड़ेगा। जब ये सेट हो जाए तब इसको सीधा कर ले। और हमें ध्यान रखना है कि छेद ऊपर की तरफ नहीं आए, इनको हमें साइडों में लेना है और ऊपर की तरफ प्लेन लेना है। इनको हमें ऐसे लेना है ना कि ऐसे। इस तरह हमने इसको कंप्लीट कर लिया है। इसको हमें थोड़ी देर ऐसे ही रखना है ताकि हमें एकदम से, अगर हमने इसको सीधा किया तो ये मोती सारे नीचे आ जाएंगे। जब ये थोड़े सेट हो जाए तब हम इसको उठाएंगे। अब हम ऊपर की साइड सिल्वर बॉल चेन लगाएंगे। बिल्कुल इसे किनारों पर लगाना है। इससे लोटा डेकोरेटिव लगेगा, क्योंकि नीचे से तो वो लग ही रहा है, अगर हम ऊपर की साइड से भी देखेंगे तो उसकी सुंदरता और भी बढ़ेगी। हमने पहले सिल्वर बॉल चेन फिर गोल्डन बॉल चेन लगाई है। अब हम ये बड़ी साइज की ड्रॉप लगाएंगे जिससे कि झालर की तरह लगेगी। इस तरह हमारा पूजा का लोटा बिल्कुल कंप्लीट हो गया है। आप देख सकते हो हमने ऊपर से भी चेन लगा के हमने डिजाइनदार बनाया। आप चाहो तो इसकी जगह दूसरी भी डिजाइन चूज कर सकते हो। हमने यहाँ पर कटिंग काज का यूज़ नहीं लिया है, आप चाहो तो यहाँ पर कटिंग काज भी लगा सकते हो। इस तरह आप देख सकते हो कि ये पूरी तरीके से मतलब ड्राई हो गया है, अब ये गिरेंगे भी नहीं, पूरी तरीके से कंप्लीट है। प्लीज़ सब्सक्राइब एंड लाइक माई चैनल, और आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि लोगों तक हमारे आइडिया जाए
उनको पता चले कि इस तरह से भी हम घर पे बैठे इजीली कोई भी चीज़ बना सकते हैं। अगर कोई कमेंट या कोई क्वेरी या कोई मटेरियल संबंधित कोई दिक्कत है तो आप इसको कमेंट बॉक्स में ऐड कर सकते हो, हमें शेयर करना चाहिए ताकि जो वुमेन्स घर पे बैठी है वो भी आसानी से इस चीज़ को बना सके, और इजीली मार्केट से हम कम रेट पर भी घर पे इसको बना सकते हैं। और थैंक यू टू वॉचिंग माई चैनल।